किया गया था, इसके अंदर सरकार के द्वारा हमारे को जो परमिशन दी नहीं गई, उसके बाद भी हमने यहाँ पर धरना आयोजित किया। हमारे पूरे नेता जो यहाँ पर पधारे, मैं पहले तो उनका सबका धन्यवाद करता हूँ, और जो लोग भी जितने भी पत्रकार और हमारे जो प्रेस रिपोर्टर हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप बाप से निवेदन है कि आप जो है ऐसी न्यूज छापें जो सरकार जो है अपने ऊपर कुछ है, अंदर उन्हीं कुछ है। किसान लोग अंदर आप जाकर देखो कि किसानों का क्या हाल हो रहा है, और मामा रोजाना शाम को 7 बजे दिन में 4-4 बजे न्यूज पे टीवी पे आती है कि अपनी वाहवाही लूटने के लिए न्यूज देते हैं। मैं आज इस धरने के अंदर हमारे बीच में हमारे प्रदेश के पदाधिकारी संजय साहब और हमारे प्रदेश किसान कांग्रेस के अध्यक्ष दिनेश गुजर जी, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष अवनीश भार्गव जी और हमारे जिला पंचायत के दोनों अध्यक्ष मखमल मीना जी और लखन भैया और जितने भी नेता ग्रामीण क्षेत्र जाए, सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और यही कहना चाहता हूँ कि ये जो भावांतर योजना निकाली है, ये भवर योजना है, किसानों को भवर में फंसा लिया है। बहुत बढ़िया, लेकिन इस भवर योजना से किसानों को मुख्यमंत्री जी निकाले और हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटियों के अंदर हर सोसाइटी में खरीदी केंद्र बनाए जाए। जो आज किसान मंडी में आकर लौट रहा है, व्यापारी अपनी मनमानी कर रहा है, मनमानी तरीके से हर चीज खरीदी जा रही है, किसान परेशान है। और जितने पत्रकार भाई हैं अंदर जाके उनकी स्थिति देखें, भाई यही मैं कहना चाहता हूँ। जी सर, परमिशन किस कारण नहीं मिली आपको? परमिशन किस लिए नहीं मिली, किस कारण नहीं मिली? किसानों की आवाज नहीं उठा रहे। परमिशन इसलिए नहीं मिली कि किसान यहाँ पर किसान की आवाज दबाई जा रही है। कहीं ऐसा नहीं जो अपने आप को शिवराज मामा क्रेडिट लेना चाहते हैं, छाती पे हाथ रख के किसानों के लिए लोभावना भाषण दे रहे हैं, कहीं वो पोल नहीं खुल जाए। और परमिशन इसलिए नहीं दी गई कहीं हमारी पोल नहीं खुल जाए। हमारे किसान भाई जो है, ये अन्नदाता है, पूरे हिंदुस्तान में यह अन्नदाता अनाज सप्लाई करता है, अनाज मंडियों में लाता है। लेकिन यह सरकारें, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, ये पूरी सरकारें किसानों को पूरे देश में लूट रही हैं। यही मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय